जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उपमुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को अजमेर और केकड़ी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों जिलों में चल रहे विकास कार्यों, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन और भारी बारिश के बाद जल भराव के निवारण और अन्य विषयों पर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की तथा दिशा निर्देश दिए। बारिश के दौरान प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पानी भराव की समस्याएं सामने आ रही है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जिलेवार स्थितियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भावी कार्य योजना के साथ कार्य करने के दिशा निर्देश दिए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण सोमवार को सचिवालय में कई जगह पानी टपकने लगा। इस दौरान कई जगह फॉल सीलिंग गिरी। गनीमत रही कि गेट नंबर 2 के ऊपर दूसरी मंजिल पर फॉल सीलिंग गिरने से कोई हादसा नहीं हुआ, जबकि कर्मचारियों और आगंतुकों की भारी आवाजाही रहती है। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। मुख्य बिल्डिंग का छज्जा भी पहले गिर चुका, जिसका निर्माण जारी है। जयपुर व्यापार महासंघ ने सोमवार को शहर के विभिन्न बाजारों का दौरा किया। महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल और महामंत्री सुरेश सैनी ने बताया कि दौरे का उद्देश्य बाजारों में पार्किंग की समस्याओं और अवैध वसूली के मुद्दों का निरीक्षण करना था, जिनसे व्यापारी त्रस्त हैं। चांदपोल अनाज मंडी पार्किंग स्थल पर निरीक्षण के दौरान पानी भरा मिला, चौगान स्टेडियम पार्किंग स्थल पर गंदगी पाई गई और रामनिवास गार्डन पार्किंग स्थल पर भी पानी भरा हुआ मिला। दौरे के बाद नगर निगम हेरिटेज जयपुर के सीईओ को नगर निगम कार्यालय में पार्किंग और अन्य संबंधित समस्याओं से अवगत करवाया गया। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र आज मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भागों के ऊपर बना हुआ है। आज 12 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश व कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश 200 मिलीमीटर से अधिक के लिए रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज जयपुर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, कोटा, बामरा, बूंदी जिलों के लिए अत्यंत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी व अति भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 4-5 दिन दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ मध्यम व कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर व उदयपुर संभाग में छुटपुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में आज भी सुबह से भारी बरसात हो रही है। तेज बरसात के कारण कई इलाकों में सड़कें लबालब हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतें, जल भराव वाले स्थानों पर जाने से बचें। सीएम ने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए कहा कि जन जन की सुरक्षा हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। अतिवृष्टि के संबंध में प्रदेश के आमजन से विनम्र आग्रह है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में निरंतर भारी बारिश का दौर चल रहा है। मैं स्वयं स्थिति पर नजर रख रहा हूँ। बांधों में लगातार पानी की आवक हो रही है। लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नदी, झरनों, तालाबों, पोखर में नहाने से बचे। निचले स्थानों पर बसे लोग विशेष ध्यान रखे। सुरक्षा के कारणों के चलते भवनों में बने बेसमेंट में रहने से बचे। अपनी ही नहीं पशुओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। वर्षा का दौर आगे भी चलने की संभावना है। आप सब लोगों से अपील है कि मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लें, सभी जरूरी सावधानियां बरतें। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के साथ है। प्रभावित लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। आपसे अनुरोध है किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और प्रशासन के निर्देशों की पालना करें। हम सब आपकी सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर हैं। हमारे बच्चे जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।